तो स्वागत है एक बार फिर आप सबका SPS ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमने सभी भागवेदियाँ भी पढ़ ली हैं, और आज अपना टॉपिक रहेगा सूत्र परावर्तित योजित, ठीक है, जिसके अंदर आपको x का मान कैसे निकाला जाता है समीकरण से वो बताया जाएगा। तो देखिए, ध्यान दें, तो आपके पास इस समीकरण के फॉर्म में अगर कोई समीकरण आता है इस फॉर्म के अंदर, तो आप उसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि डी माइनस बी ए माइनस सी, यानी ये वाला डी, ये वाला बी, और ये वाला ए और ये वाला सी। इस तरह से आप सॉल्व करके एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दें, इसको याद कैसे करें। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सूत्र परावर्तित योजित से आपको याद रखना है डब्बा बटा ए सी, है ना। डब्बा ऐसे याद रखोगे, डब्बा बटा ए सी, ठीक है ना। एक पहला सवाल करते हैं, तो देखिए ध्यान दें, अगर मैं लिखें 13x माइनस के 14 इज इक्वल टू 9x प्लस 10, है ना। तो अगर अपन ये सॉल्व करें, तो देखिए ध्यान दें, ये एक फॉर्मेट बन रहा है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, है ना। अब देखो इसमें ए क्या, x तो x की जगह है, ये x x की जगह है। ये देखो ए का मान कितना दे रखा है आपके पास, 13, है ना। बी का देखो यहाँ प्लस लेना है माइनस के 14। उसके बाद देखिए सी क्या है, सी ऊपर देखिए क्या दे रखा है, 9। और जो डी है वो कितना दे रखा है आपके पास, 10। तो ये जो वैल्यूज है ये आपको कौन से में रखनी है, x बराबर डी माइनस बी बट्टा ए माइनस सी, यानी डब्बा बट्टा ए सी में रखेंगे। तो देखिए d का मान कितना है 10, बी माइनस बी का मान कितना है माइनस के 14, और a का मान कितना है 13, एंड c का मान कितना है 9। तो देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 14। देखो क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा गुणा होकर प्लस, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 14, और नीचे कितना हो जाएगा 10 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 4, और उत्तर आएगा आपके पास 24/4, यानी कि आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अपन एक दूसरा सवाल और करें, तो अगर इस फॉर्मेट में कोई सवाल नहीं आता है, सपोज कि इस फॉर्मेट में आ गया इज इक्वल टू 0, देन हाउ कैन यू सॉल्व। तो देखिए कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इस माइनस वाले टर्म्स को मैं इसमें लेके जाऊं, अगर LHS से RHS में भेजूं, तो पक्षांतरण पता ही है आपको, पक्षांतरण जब किया जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा 2x माइनस 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 का गुणा इससे भी होगा, 2 का गुणा इससे भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो एक्स की वैल्यू अपन को पता है डब्बा बटा ए सी, मतलब डी माइनस बी, डी माइनस बी अपन ए माइनस सी होता है। तो डी का मान अपन को पता है 2 हो गया, और बी का मान कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस 1 अपॉन ए का मान कितना दे रखा है 1, और बी का सी का मान कितना दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 बाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट, कोई भी फॉर्म्स आए, कोई सी भी फॉर्म आए, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने इस सवाल को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद मुझे बस एक चीज़ याद रखनी है, और इससे आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन जो भी इस सूत्र परावर्तित योजित से आते हैं आप कर सकते हो। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, और ये चीज़ याद रखनी है, और आपको पक्षांतरण करना आना चाहिए, आपको वज्र गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है शून्यम साम्य समुच्चय। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें आपको 6 एप्लीकेशन याद करनी है, यानी 6 अनुप्रयोग आपको याद करना है, मतलब पता होना चाहिए। आप एक बार समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक अपन सवाल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि 2x प्लस 8 और इक्वल टू में आ जाएगा 3x प्लस 8, है ना। तो देख ध्यान दो, अगर दोनों जगह, ये जो दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है, स्वतंत्र पद, एक स्वतंत्र पद आपको दिख रहा है, इंडिपेंडेंट दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 0, ठीक है। यदि दोनों साइड अचर पद समान है, अचर पद क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा आपका x का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा अनुप्रयोग आपका ये होगा कि यदि इस फॉर्मेट में कोई आए बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0, यानी एक्स जो है वो सब जगह आ रहा है, तो एक्स बराबर हमेशा क्या होगा, 0। जैसे अगर मैं बोलूँ ए एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 प्लस डी
प्लस डी एक्स माइनस वन, तो इसमें भी इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि एक्स वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वन आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो आपका एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि जब इस फॉर्मेट में कोई आए तो हमेशा इन नीचे वाले का योग जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, यानी कि अंश आए, अंश समान हो, अंश क्या हो, समान हो, यदि अंश क्या हो, समान हो, तो नीचे हर का योग क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इससे अपन x का मान निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी ए अपॉन टू। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल अगर अपन लें तो देखिए देखिए, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों जगह अंश समान है तो आंसर हो जाएगा फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस के थ्री बाई फाइव, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन आपकी ये है कि अंशों का योग तथा हरों का योग परस्पर समान है ना, जैसे कि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री। यदि अंशों का योग और हरों का योग दोनों बराबर मिल जाए, यानी कि फोर एक्स प्लस एट और यहाँ पे भी आ रहा है क्या, फोर एक्स प्लस एट, अगर ये दोनों देखो आपको दिख रहा है कि समान है और एक निश्चित अनुपात में है, एक अनुपात एक में, तो कोई भी एक वैल्यू को आपको क्या करना है, बराबर जीरो रखना है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के दो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो पांचवा अनुप्रयोग ये है कि देखिए, एक सवाल ले लेते अपन, थ्री एक्स प्लस फोर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एट अपॉन टू एक्स माइनस फाइव। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि यदि इनका अंतर और इनका अंतर समान हो जाए, यदि इनका अंतर और इनका अंतर यदि समान हो जाए, तो कोई भी एक वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, यानी कि थ्री एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस वन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ लें, ये पहला हो गया, ये दूसरा देखिए, अगर कि अगर मैंने ये ले लिया टू एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस एट, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस के थ्री। तो देखो दोनों जगह क्या आ रहा, समान आ रहा है, तो किसी एक को जीरो मान लो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तीन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और लास्ट आपका सिक्स्थ एप्लीकेशन जो है, इस सिक्स्थ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, ध्यान दें कि यदि दो पद दे, जैसे क्वेश्चन ले लेते अपन, वन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार प्लस को प्लस कर लेते हैं और माइनस साइड माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दें, एक्स प्लस वन, अगर मैं इस माइनस को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस टू, और जब ये माइनस का इधर आएगा तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब देखिए ध्यान दें कि यदि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि इन दो पदों के अंदर दोनों पदों के हरों का योग, दोनों पदों के हरों का योग जब अंश क्या हो, बराबर हो, और ये दोनों का योग बराबर आ जाए, तो आपका कोई भी एक मान क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो दोनों जगह देखो आप क्या आ रहा है, यही आ रहा है, और एक को अपन क्या करेंगे, बराबर जीरो के रखेंगे, तो टू एक्स बराबर माइनस के फाइव हो जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा माइनस के पाँच बटा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सिक्स एप्लीकेशन, छः एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई है। आप रिवाइंड करके, आपको समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड करके वापस फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे और ले सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नवांक विधि और एकादशांक विधि। ये दोनों जो विधियां है वो भाग के उत्तर जांचने की विधि है। ठीक है, तो उत्तर कैसे जांचेंगे, तो सबसे पहले आपको एक भाग के अंदर ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो देखिए ध्यान दें, जो यहाँ पे जो होता है उसको अपन कहते हैं भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, जो अपन को मान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे यहाँ पर शेषफल अपन को जो बचता है उसको बोलते हैं अपन, जो संख्या यहाँ मिलती है उसको अपन बोलते हैं क्या, शेषफल।
तो नवांक विधि के अंदर अपन बीजांक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कोई एक नंबर है 947, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, और 13 और 7 कितने होते हैं 20, और 20 में से जब 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 में से जब 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। मतलब जो बीजांक हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सभी के बीजांक भी ऐसे निकलेंगे। तो अपन कुछ ले लेते हैं संख्या, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, जैसे कि भाजक भाज्य है। सबसे पहले भाज्य दे रखा आपका 4, 2, 8, 3, भाजक आपका दे रखा है 7, ठीक है, और भागफल आपका दे रखा है 611, और शेषफल आपका दे रखा है 6। तो अब देखिए, ध्यान दें, भाज्य का बीजांक क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17। अब जब इसमें से 9 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य का बीजांक। देखो इसमें ये क्या है, 9 से कम है, 9 से कम है तो क्या होगा 7 ही इसका क्या हो जाएगा बीजांक हो जाएगा। फिर ये 7 और 1 8, 8 9 से कम है तो ये 8 भी इसका क्या हो जाएगा बीजांक हो जाएगा, और शेषफल का बीजांक कितना हो जाएगा 6। अब देखिए कितना है दे रखा है 8, इजिक्वल टू भाजक का बीजांक कितना दे रखा है 7, भागफल का बीजांक कितना दे रखा है 8, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल का बीजांक कितना दे रखा है 6। तो हो जाएगा 7 8 56 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12 62, और 62 आने के बाद में भी आपको इसका भी बीजांक ही निकालना पड़ेगा। तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, और ये 8 इसके बराबर आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह कोई और संख्या अगर आप लें, इसको मैं मिटा दूं, जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, कोई और संख्या ले ली, जैसे मैंने सवाल दे रखा है यहाँ पे कि 6 7 8 9 आपका भाज्य है, आपको भाग देना है 12 का, और भागफल आपको मिला है 5 6 5, और शेषफल आपको मिला है 9। तो आपको इसके उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सबसे पहले निकालेंगे बीजांक। तो 6 और 7 कितना होते हैं 13, 13 और 8 होते हैं 21, और 21 और 9 कितने होते हैं 30। तो इसका डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं बीजांक कितना हो सकता है 3 हो सकता है, इसका डायरेक्ट बीजांक कितना हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन अपन इसको नवांक विधि से करना, तो इसमें से 9 घटाएंगे कितना आएगा 21, फिर 9 घटाएंगे कितना आएगा 12, और फिर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो देखो अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसको जोड़ के भी अपन सीधा सिंगल यूनिट ला सिंगल डिजिट ला सकते थे, तो कितना आएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 1 और 2 3। फिर इसको देखो 6 और 5 11, 11 11 और 5 16, डायरेक्ट देखो 7 आ सकता है, लेकिन 9 घटाना पड़ेगा क्योंकि नवांक विधि से करें, तो इसका क्या आएगा बीजांक 7 आएगा, और इसका बीजांक कितना है 9। अब देखो इसके अंदर पुट करोगे तो देखो 3 भाजक का बीजांक 3 इजिकल टू भाजक का बीजांक कितना दे रखा है 3, भागफल का बीजांक कितना दे रखा है आपको 7, प्लस शेषफल का बीजांक कितना दे रखा है 9। तो देखो 7 और 3 21 प्लस 9 कितना आएगा आपके पास 30, और 30 और 3 वो जोड़ोगे तो आपको कितना आ जाएगा 3, या फिर इसमें से फिर से 9 9 घटाओगे तो आपके पास लास्ट में कितनी बार घटाना पड़ेगा, आप कितनी बार घटाया था अपन ने 1 2 3 बार, जब 9 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो ये 3 बीजांक और इस 3 बीजांक के क्या है बराबर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नवांक विधि से क्या कर सकते हो, उत्तर की जांच कर सकते हो। उसके बाद आता है एकादशांक विधि। अब एकादशांक विधि के अंदर क्या होता है, अपन यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, 12 561, और शेषफल आपके पास दे रखा है ना। अब देखो एकादशांक विधि के अंदर क्या होगा, एकादशांक विधि के अंदर बीजांक कैसे निकाला जाएगा कि जो सम संख्या पे जो डिजिट है और विषम संख्या के डिजिट है उनका अंतर आपका क्या आ जाएगा बीजांक आ जाएगा। तो देखो ध्यान दो, पहले देखो आप विषम संख्या पे देखो कौन है 6 और 8 कितने हो गए 14, और 9 और 7 कितने दे रखे हैं आपको 16, तो 16 माइनस 14 का आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से देखो इसमें देखो क्या हो जाएगा 2 और -1 कितना हो जाएगा 1, इसका बीजांक हो जाएगा। उसी तरह देखो 5 और 5 कितने होंगे 10, और 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, ठीक है।
और उसी तरह ये तो सिंगल डिजिट है, 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो अपन को कुछ नहीं करना, बस वही वाला मेथड लगाना है, ये एकादशांक विधि से मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 = 1 × 4 + 9, तो ये जाएगा 4 + 9, कितना हो जाएगा 13, और जब 3 में से वापस 1 घटाया जाएगा कितना जाएगा 2, और ये 2 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सम संख्या की जो पोजिशन है अंकों की, और इनका योग का योग, और विषम संख्या की पोजीशन, विषम संख्या का योग का अंतर बीजांक होगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।